बल्लारपुर पेपर मिल के कर्मना स्थित बांस डिपो में रविवार की दोपहर 3 बजे लगी आग करीब 15 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सोमवार की सुबह 6 बजे काबू में आई, लेकिन आज दूसरे दिन शाम में भी डिपो में आग धधक रही थी और उसे बुझाने का काम जारी था। 4 डिपो में से 3 पूरी तरह राख हो चुका है और सड़क की दूसरी ओर का डिपो बचाने में सफलता मिली है। इस अग्निकांड में करीब 30 से 40 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कल पंचनामा होने के बाद ही नुकसान का सही आंकड़ा पता चल सकेगा। गौरतलब है कि बल्लारपुर पेपर मिल का बहुत बड़ा बांस डिपो कड़मना में है। सड़क के दोनों किनारे बांस और लकड़ा का भंडारण किया गया है। सड़क के दाहिनी और 3 डिपो और बाई और 1 डिपो में कुल 60,000 टन से अधिक माल डंप किया गया था। इसमें से दाहिनी ओर के 3 डिपो जलकर खाक हो गए, बाई ओर का डिपो बचा लिया गया। बांस डिपो के बाजू में स्थित फूल जले पेट्रोल पंप भी आग से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसका ऑफिस और मशीनें जल गईं। पंप में पेट्रोल डीजल ना होने से 4 दिनों से बंद थे, इस वजह से बड़ा हादसा टल गया। यदि पेट्रोल पंप चालू होता तो बड़ी हानि हो सकती है। आग इतनी भयंकर थी कि लगभग 25 गाड़ियां दिन रात उसे बुझाने में लगी रही, इनमें से कई गाड़ियां फेल भी हो गई। तहसीलदार ने दी जानकारी के अनुसार नागपुर, यवतमाल, गढ़चिरौली जिला सहित चंद्रपुर जिले की बहुत सी नगर परिषद और बड़ी कंपनियों के फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के लिए लगाई गई थी। बांस डिपो में आग लगने की जानकारी मिलते ही तहसीलदार संजय राइंचवार और थानेदार उमेश पाटिल टीम के साथ मौके पर पहुंचे, बचाव एवं राहत कार्य में जुट गए। कल दिनांक 22 मई दोपहर 4 तालुका स्तरावरील जवळपास 5 फायर ब्रिगेड बोलवून जिल्ह्याचं काम सुरू केलं। त्यानंतर 7:30 आग आपल्या आटोक्यात आलेली नाही, नियंत्रणात आली नाही, त्यामुळे जिल्ह्यातील इतर साधारणतः 15 फायर ब्रिगेड आम्ही बोलवलेल्या होत्या आणि रात्री 10 आग नियंत्रणात न आल्यामुळे जिल्ह्याच्या बाहेरही सुद्धा आपण फायर ब्रिगेडच्या फायर ब्रिगेडर्स आणि आग विझवण्याचा आम्ही पूर्ण प्रयत्न केला। यासाठी त्याचप्रमाणे इतर सर्व यंत्रणा, पेपर मिल आणि गावातील काही संघटना, त्याचप्रमाणे वनविभाग, MSEB या सगळ्यांच्या सहकार्याने सकाळी 6 ही जी आग आहे ती संपूर्ण नियंत्रणात आली, संपूर्ण विझली नाही, नियंत्रणात आली। ती आज संध्याकाळपर्यंत संपूर्ण विझण्याचा प्रयत्न प्रशासनाचा राहील, जीवितहानी कुठे झालेली नाही आणि साधारणतः 25 फायर टेंडर्स काल रात्रीपासून झटत होत्या, अजूनही सध्या आग विझवण्याचं काम सुरू आहे। उद्या सकाळपासून हे राग थंड झाल्यानंतर या सगळ्याचा सर्वे करून पंचनामा करण्यात येईल। नगर परिषद, तहसील कार्यालय, पुलिस विभाग और वन विभाग के करीब 450 अधिकारी और कर्मचारी रात भर मौके पर तैनात रहे। आग की लपटें इतनी तेज थी कि परिसर में खड़ा रहना मुश्किल था। सुबह 6 बजे एक दूसरे से लगे 3 डिपो जलने के बाद आग काबू में आई।